तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल लेक पे, नैना लेक पे, आदित्य और ये और थारा भाई जोगिंदर। अभी हम लोग निकल रहे हैं नैना लेक पे, लेट्स गो, चलो। ये ये चाबी है, वो स्कूटी है, अब हम लोग जाएंगे। चलो ये दोनों अमीर, मैं और मेरा भाई अमीर, निकल दिए हम लोग। हाँ भाई, भाई गाड़ी का पार्किंग कहाँ है? नैनी लेक है, खूबसूरत सा जगह, प्यारा प्यारा जगह, अच्छा लग रहा है। स्टैंड पे लिया जाएगा, स्टैंड पे आ जाए। हम लोग मॉल रोड पे आ गए हैं स्कूटी से और पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग के बाद हम लोग करेंगे बोटिंग, फिर नैना देवी टेम्पल और फिर निकलेंगे। ये दोनों लोग हैं, राहुल और आदित्य। चलो भाई मैं भी आ गया, ये ऐसा मरका है, इसको भी दिखा दो भाई। मैं भी स्मार्ट। ये सामने वाली स्कूटी, ये वाली राज की है और यहाँ पे भी हम लोग बोटिंग किया जाएगा मस्त सा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने सारे लोग, और बोटिंग करते हैं यहाँ पे। ये लेक चला जाए कि वो, ये वाला बोटिंग किया जाएगा हम लोग। ये लोगे कि वो बताओ तुरंत, कौन सा वाला? वो वाला लिया जाए या फिर ये लिया जाए? ये वाला थोड़ा हल्का रहेगा तो सही रहेगा, ये रहेगा। हाँ ये रहेगा, दो को आगे बैठना पड़ेगा। आशीष भाई हाउ इज द जोस? मजा आएगा। नहीं तो भाई चलते हैं, बैठो भाई। भाई जैकेट नहीं पहनाएंगे क्या भैया? जैकेट हम लड़कियों को बनाते हैं भाई। अरे भाई बैठो भाई, भाई डर लग रहा है भाई, जैकेट पहना दीजिए। मजा आ रहा है यार, बैठो। जैकेट नहीं देंगे सच में, दूंगा जैकेट, यही रख दूंगा। अरे आओ ना ये पागल पागल लड़का। तो हम लोग बोटिंग पे आ गए हैं, बोटिंग कर रहे हैं सारे लोग। उधर से काटे जहाँ से उन लोग हैं। आशीष राज, हाउ इज द जोस? हाय सर राज, क्या राहुल उधर से चले? हाँ पूरा एकदम लास्ट में चलना, उधर से चले कि मतलब यहीं से काट ले? टाइमिंग, हाँ टाइमिंग भाई, बोट पे चलना है, मजा आ रहा है। राहुल है, आदित्य है, आशीष है। ठंड हवा चल रहा है ऊपर से, सन बहुत मजा आ रहा है भाई। आशीष भाई आपको चल रहा है? हाँ चलो चलो चलो, ये देखिए सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये इतना सारे बोटिंग है इधर, वहाँ दूर दूर तक बोटिंग है, वहाँ है, हम लोग अभी वहाँ निकलेंगे। साइड से ले चलना भाई, साइड से ड्राइवर, ड्राइवर साइड से। आप लोग इतना अच्छा अच्छा व्यू है इधर, हमारा ड्राइवर और इधर ये रहे ये दोनों, और आप लोग देखिए इधर देखिए व्यू, पहाड़ साइड से पहाड़, बीच में ताल, ताल में बोट, बोट में हम, और उसके बाद से इधर बहुत सारी बोटें हैं। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी हर जगह आपको केवल और केवल बोट ही नज़र आएगा, इसीलिए आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग आपको अच्छी अच्छी व्यू दिखाएंगे। ये देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पहाड़ के पास, वो उतना दूर पहाड़ दिख रहा है जहाँ, वहाँ हम लोग निकलेंगे। अभी हमारा गाड़ी निकल गया है, खतरनाक बाटा यार। आशीष है, थकना मत बस। राहुल है, राहुल कैसा कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग यहाँ पे जरूर आइए एक बार, यहाँ पे आपको एक जन्नत सा सुकून मिलेगा। वो जो जन्नत ऊपर मिलता है वो इधर नहीं, ऊपर कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है इधर ही मिलता है, आपके कर्मों का फल इधर ही मिलता है। हम लोग के मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। आशीष मजा आ रहा है भाई, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। ये लोग आ गए हैं, धूप में मजा आ रहा है भाई। हम लोग भाई अमीर आदमी भाई, यही मंदिर है, एंजॉय करते हैं भाई, दर्शन यही करने आना। GoPro इनको भी लिया जाए। धीरज एयर ऑफ नेचर। अरे यार धीरज ये सब नहीं बोलना था, मोड़ दे, मजा आ रहा है भाई। ना यो कि तुरंत मोड़ दे बस। एयर ऑफ नेचर सीमा है, ललित ललित है, हां छोटा ललित है,
बड़ा हो जाएगा एक दिन, फिर हम लोग को भूल जाएगा, फिर जुनेद का जुनेद ले। कैसा लग रहा है, अपना रिव्यू दे, आपको कैसा लग रहा है नैनी लेक में? बहुत मजा आ रहा है भाई, मैं आनंद लिया भाई। देखो, और आशीष आपको कैसा लग रहा है, राहुल आप बताइए। देखो, एक होता है जन्नत, एक होता है महाजन्नत, एक होता है जन्नत प्रो। तो ये जन्नत प्रो है, लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद नर्क में जाओगे कि जन्नत में, वो जो घर बैठ के किसी की जिंदगी जी रहे वो नर्क में। हम लोग भाई जन्नत, तभी भाई मरने के पहले जन्नत, भाई जन्नत। अब ड्राइविंग सीट पे हम आ गए हैं और राहुल चला गया आगे सीट पे, तो अब यहाँ से ड्राइविंग सीट का मजा लीजिए, और ड्राइवर के लिए वहाँ ले जाएंगे, वो जो पहाड़ दिख रहा है लास्ट में वहाँ हम लोग जाएंगे। अब वही ताने इधर उधर के, धीरज गरीब, क्रिस्टल गरीब, जुनैद महागरीब। बोटिंग करते करते बहुत थक गए हैं पैर से, तो अब हाथ से बोटिंग हो रहा है, हाथ से कर रहे हैं क्योंकि थक गए हैं भाई। लेकिन मौसम भाई, मौसम और ये भाई मजा आ रहा है, ठंड हवा एकदम मस्त, और नैना लेक ओपी भाई। जैसा कि हम लोग अब लेक घूम चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बोट को, बोट को रिटर्न करने जा रहे हैं। और इन लोगों को मैं एक बार बताऊं, इतने कमजोर पीस हैं ये लोग, ये एक छोटा सा काम करना था बस, एक घंटे का कोई नहीं कर पाया, मैं और राज मेरा भाई ठीक आधे जाते मारे हो गाय ऐसे कर रहा ये क्या होता है, एक तो सुंदर छोट छोट चलाने आ नहीं रहा है, एक्सीडेंट करवा दोगे, मतलब ये पता है क्या चीज़ है, ये लोग गरीब हैं, पहली बार आए हैं, भिखमंगे हैं सब, जिम उम जाएंगे तो ये मजबूत रहेगा तभी ना जिम जाने का पार। आप नैनीताल में आके मतलब कहते हैं वो पोखरा का भी मजा ले सकते हैं पूरा का पूरा, और यहाँ पे आप रसिया का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि फॉरेन केवल नाम है लेकिन ये अपने इंडिया में ऐसा बहुत सा जगह है। जान रहे हो क्यों आशीष बताएं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल, और साइड में पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है कपड़ा का, हर चीज़ का। और अभी हम लोग निकल रहे हैं नैना देवी टेम्पल। जैसे मेरे कहने का मतलब था ये मार्केट देखिए और क्या है, ये है भाई नैना देवी टेम्पल का रास्ता, और पूरा मार्केट लगा हुआ है आसपास, मार्केट ही मार्केट है, और आगे टेम्पल है। अभी हम लोग टेम्पल आपको दिखाते हैं, ये रहा राज भाई, ये मैं, और पीछे आशीष आदित्य आ रहे हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल के सामने। नैना देवी आ गए हैं अभी हम लोग, राज और राहुल पूजा कर रहे हैं, अभी हम दोनों लोग सामान, क्योंकि हम लोग का डिक्की सही नहीं है, इस वजह से सामान को